तालीम के लिए तशवीश। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान पहुँच गए। सोबतपुर के सैलाबजदा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म को सैलाब की तबाहकारियों, इमदाद और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। मुतासरीन की मदद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। मुल्क में सैलाब से मजीद 54 अफराद जान बहक। सबसे ज्यादा सिंध में 44 अफराद जान से गए। मजमूई तादाद 1481 हो गई। जख्मियों की तादाद 12,700 से तजावुज कर गई। 11 लाख के करीब घर तबाह। सड़कों और पुलों को नुकसान। कई शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। रेलवे निज़ाम भी शदीद मुतासर। सिंध के सैलाबजदा इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी। डेंगी और गैस्ट्रो ने सर उठा लिया। खैरपुर में बारिशों और सैलाब से अब तक 100 बच्चे इंतकाल कर चुके। घोटकी, खानपुर, महर में फसलें और मकानात ताहाल जेरे आब। इलाके में कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, ना ही किसी को इमदाद मिली, जिस पर मुतासरीन ने एहतजाज किया।